देवास जिले के देपालपुर में प्रशासन ने नालियों पर जमे बरसों से अतिक्रमण और शासकीय जमीन पर रखी गई गुमटियां हटाने की कार्यवाही की है। यह कार्यवाही देपालपुर नगर के बेटमा रोड से शुरू हुई, जो कि बेटमा नाका, तहसील रोड, खाड़ी और चमन चौराहा तक की गई। वहीं नगर के चमन चौराहा से लगाकर इंदौर नाका रोड, बस स्टैंड, मंगलेश्वर मार्ग, गौतमपुरा रोड, बनेड़िया नाका, भोई मोहल्ला, मुख्य बाजार, बड़वाली गली, तिलक मार्ग तक कार्यवाही शेष रही। जिन अतिक्रमणकारियों ने नालियों पर अतिक्रमण और शासकीय जमीन पर गुमटियां रख रखी थी, उनके पेट पर लात पड़ने के कारण प्रशासन और नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अगर यह कार्यवाही पूरे नगर में, पूरे बाजार में हुई तो निष्पक्ष कार्यवाही कर पाएंगे, नहीं तो नेताओं के दबाव में कार्यवाही अधूरी छोड़ दी गई तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। वास्तविक अतिक्रमण हो, यहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं था, यहाँ पे छोटे लोग थे, जो लोग यहाँ से अपना परिवार, अपना घर चलाते थे, जिनकी दाल रोटी की व्यवस्था होती थी, उन लोगों की दाल रोटी की व्यवस्था इन शासन प्रशासन और यहाँ की प्रदेश की सरकार या जो जिस व्यक्ति ने भी ये मुहिम चलाई है उन्होंने गलत किया है और इसका खामियाजा भी ये जनता देगी, इनको भुगतना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे जो आज गुमटियाँ हटाई गई है, अतिक्रमण हटाया गया, लाखों रुपए का नुकसान किया गया, ये गलत है। ये कार्रवाई नहीं होती है तो भेदभावपूर्ण रवैया माना जाएगा और या फिर किसी व्यक्ति के इशारे पर यह कार्रवाई की गई है। सीधा सीधा सा ये है कि इन लोगों से द्वेषतापूर्वक कार्रवाई की गई है या फिर बाजार में होती है तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। फिर यदि यह सही हुआ है और यदि ऐसा बाजार में नहीं होता है तो फिर इन गरीबों के साथ अत्याचार हुआ है। प्रशासन ने सबको अतिक्रमण हटाने के लिए बोला गया है, सबको नोटिस, अंतिम नोटिस दिया गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सबके साथ कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि हमारे साथ ही ऐसा अत्याचार क्यों हुआ, हमारी रोजी रोटी के साथ ऐसा अत्याचार क्यों हुआ। तो सीधी सीधी सी बात है, ये यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम भी न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, हमारे लिए हम भी न्यायालय जाएंगे। आखिरी तक की जाती है तो हम संतुष्ट है, और नहीं होती है तो कैसे संतुष्ट रहेंगे हम। ये शासन ने जो अतिक्रमण के लिए जो आवेदन दिया है, ठीक हम मानते हैं, उसको मान्य करते हैं, लेकिन अब आने वाले दौर में हम कैसे क्या करेगा, व्यक्ति क्या खाएगा, क्या पिएगा, जिसका कोई बेजी नहीं, कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है, दो दिन का राशन पानी नगद चाहिए आपको तो होगा तो खाएगा, आज है घर में तो खा लेगा, नहीं तो अभी चाय के लिए दूध चाहिए तो दूध कहाँ से लेकर आएगा, ये तो सुबह शाम में चाहिए, क्या करेगा व्यक्ति, कैसे करेगा। शासन को ध्यान में रखना चाहिए, चीज सबको विचार करना चाहिए, समावेश करना चाहिए, डायरेक्ट ऐसा कैसे दी जाती है, ठीक है जो आप आवेदन करो लेकिन कम से कम विचार तो करो, उसमें फिर आवेदन करो। कि हाँ हम न्यायालय भी जाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे, हो सके सब कुछ करेंगे, जो भी कानून के दायरे में जो आते हैं, जो कार्यवाही होती है हम करने के लिए तैयार हैं। तो आप उन्हीं को देखना चाहिए आके यहाँ पे, ये तो उन्हीं को देखना चाहिए, आप वो भी देख सकते हैं आप। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। केंद्रीय